हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने पुराने ज़माने में अपने मम्मी पापा या दादा दादी से ये कहते सुना होगा कि धीरे बोलो यार, घर में धीरे बोलो, नहीं तो बातें बाहर चली जाएंगी दीवारों के थ्रू। दीवारों को भी कान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी दीवारों की बात तो मैं नहीं करूँगा, बट आपकी बातें पब्लिक हो रही है, आपकी निजी बातें बाहर जा रही हैं। ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देके आपको बताऊँगा। और आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी हम यूज़ कर रहे हैं, हम हाईटेक तो हो गए हैं, हमारे बीच बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, बट वो टेक्नोलॉजी में कुछ खामियाँ भी हैं यार, कुछ डिफेक्ट भी है जिसके थ्रू हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये आज का वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो यार आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल पर आ जाए और इससे मैं भी मोटिवेट हूं। तो यार बिना देरी किए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था हाईटेक डर की। एक्चुअली में हाईटेक डर कुछ और नहीं, हम लोग जो अभी जिस जो यूज़ कर रहे होंगे उनको तो मैं बता दूं, और जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको वो भी ऐड में या फिर कहीं में देखे होंगे कि ये अच्छा चीज़ है, इसको हम भी ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन अलेक्सा की, ठीक है, जो स्मार्ट स्पीकर है, ठीक है। और बात कर रहा हूँ आपको मैं एप्पल के आईफोन में जो एप्पल सिरी वॉइस का जो फीचर है वो, और दूसरा आपको गूगल असिस्टेंट जो प्रायः सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों जो मैं बताया हूँ आपको, ये तीनों स्पीकर्स के प्रकार हैं स्मार्ट स्पीकर्स के, ठीक है। तो ये हमारी बातें कैसे हमारी निजी बातें हमारी पर्सनल बातों को सार्वजनिक कर रहा है या पब्लिक में ले जा रहा है पब्लिक डोमेन पे, मैं आपको जल्दी बताऊंगा और एग्जांपल के साथ। पहले आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। ये बात वाकया है पोर्टलैंड का। पोर्टलैंड में एक फैमिली रहती है, जो फैमिली आपस में कुछ बातें कर रही थी घर पर, वो उनकी आपस की बातें जो है वो सार्वजनिक हो गई है। पता कैसे चला कि जिस एक पर्सन आया उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या ऐसे करके, ठीक है, उनको टोका। तो वो बोले कि आपको कैसे पता चला, तो बोले कि पब्लिक डोमेन में यहाँ उपलब्ध है, देख लो भैया आप भी, आप ऐसा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने चेक किया और देखा तो वाकई ये बात तो हम अकेले में कर रहे थे, फिर किसने सुना होगा। उसने थोड़ा सा पता लगाया तो पता चला कि हाँ, उन लोग यूज़ कर रहे थे गूगल का, सॉरी अमेज़न का अलेक्सा, ठीक है, जिसको हम कोई भी निर्देश देते हैं, आपने सुना होगा कोई भी, या तो हम उसका उपयोग गाना सुनने के लिए या कुछ निर्देश देने के लिए या कुछ जानने के लिए इंटरनेट के जरिए, ठीक है। उसको कुछ स्टूडेंट लोग भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग भी यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें हेल्प हो सके। कोई बुरा चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है, बट इसका जो मैं बैड जो है ना वो बता रहा हूँ, बैड थिंग्स वो बता रहा हूँ आपको। तो इसको स्टूडेंट लोग भी यूज़ करते हैं और घर में बड़े लोग भी यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए। आप उसको कुछ भी निर्देश दोगे तो वो आपका जवाब देगा और उस चीज़ को आपके सामने रख देगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको उपयोग करते थे। अब जो पोर्टलैंड में क्या हुआ, वो जब वो लड़के ने आके उनको बताया कि आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा बात कर रहे थे उन पति पत्नी को, तो उन्होंने जाके अमेज़न को शिकायत की कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे घर में कोई नहीं था उस समय, ये अलेक्सा का स्पीकर बट ऑन था, इसके थ्रू हुआ होगा। तो उन्होंने गलती स्वीकार की, बट उन्होंने ये बोला कि हम आपकी जानकारी को पब्लिकली नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी करके ये वो करके उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, ठीक है। तो ये यार कुल मिला के उनकी जो निजी जानकारी है वो सार्वजनिक हुई ना। तो अगर आप ऐसा कुछ बात कर रहे हो और सार्वजनिक हो गया तो ये कितना मतलब बुरा लगेगा, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका बैड थिंग जो है या ये टेक्नोलॉजी का वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको बता दूँ कि ये स्मार्ट स्पीकर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप भी यूज़ कर रहे होंगे तो सुन लीजिए, और नहीं कर रहे हैं अगर लेने का सोच रहे होंगे तो भी सुन लीजिए, ठीक है। अब स्मार्ट स्पीकर्स काम कैसे करते हैं, स्मार्ट स्पीकर्स का काम करने का तरीका ये है यार कि हम जब स्मार्ट स्पीकर्स को हम कुछ निर्देश देते हैं, ठीक है, अपने वॉइस कमांड के थ्रू, तो वो हमारे निर्देश को सुनकर, ठीक है, अपने सर्वर को भेज देता है। अब सर्वर को जब भेज देता है, ये थोड़ा लेंदी बता रहा हूँ मैं आपको, बट वो होता बहुत स्पीड में है, ठीक है, अपने सर्वर को भेज देता है। अब मैं बता दूँ जैसे अमेज़न अलेक्सा की बात करूँ, तो अमेज़न अलेक्सा की एक विशेष टीम है, ठीक है, जो 9 घंटे की शिफ्ट में काम करती है, कम से कम 1000 ऑडियो क्लिप्स को सुनते रहती है और उसका डाटाबेस तैयार करके रखे रहती है। जैसे हम अपने अलेक्सा स्पीकर को कोई निर्देश दे रहे हैं तो वो हमारे क्वेश्चन को तुरंत भेज दे रही है अपने सर्वर को, सर्वर पे बैठे जो विशेषज्ञों की टीम है उसको डायरेक्ट उसका जवाब ढूंढकर वापस स्पीकर को भेजती है और स्पीकर हमको रिप्लाई करता है। ये इतनी जल्दी होती है प्रक्रिया ना, इतना फास्ट होता है कि हम दूसरे पहलुओं को ध्यान नहीं दे पाते कि कुछ खो रहा होगा क्या, हमको तो आंसर मिल गया ये हम सोचते हैं, और सोचते हैं कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हम अपने घर पे रखे हुए हैं। बट होता क्या है यार, सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें दो चीज़ें हैं, जब भी आप अलेक्सा गूगल अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को निर्देश देते हो तो वो अलर्ट होता है, ठीक है, जब आप वॉइस कमांड के थ्रू बोलते हो तो अलर्ट होता है, ठीक है, और एक्टिव भी होता है। तो दो बातें यहाँ पर निकल के आ रही है, अलर्ट एंड एक्टिव, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, जब आप गूगल को गूगल असिस्टेंट हो गया या अलेक्सा हो गया या आपका एप्पल का सिरी वॉइस हो गया, जब आप इसको कुछ स्पेशल कोड के थ्रू ही बोलेंगे ना, जैसे कि जो अलेक्सा वाला है, ठीक है, वो उसको बोलोगे हे अलेक्सा, जैसे आप ऐसा बोलोगे ना तो वो अलर्ट हो जाता है,
ठीक है, एक्टिव तो हमेशा रहता है, बात समझना, अलर्ट और एक्टिव में। जैसे आप बोलोगे है अलेक्सा तो वो अलर्ट होगा, एक्टिव तो पहले से है, आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, जो आप निजी घर में बातें कर रहे हैं ना आपस में, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, जो भी है, भाई बहन, जो भी पर्सनल बातें कर रहे हैं आप, वो सारी बातें उसके में रिकॉर्ड हो रही है अलेक्सा के में, और अपने सर्वर को वो भेज रहा है, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि उसको स्पेशल कमांड की ज़रूरत है। जब भी आप उसको स्पेशल कमांड देते हैं ना कि है अलेक्सा, है गूगल, ठीक है, या है सिरी, आप ऐसा उससे बात करेंगे ना, कमांड उसको स्पेशल कोड उस पर ऐसा लगाया हुआ है, इसीलिए देखना वो बोलता है कि है अलेक्सा, जब भी आप बात करो, वो स्पेशल कोड है उनका, जैसे आप उनको है अलेक्सा बोले उस अलेक्सा ऐप को, गैजेट को, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, अलर्ट होने के बाद अपने सर्वर को आपका क्वेश्चन भेज देता है। जब आप उसको स्पेशल कमांड नहीं देंगे तो आपकी निजी बातें वो नहीं सुनता, बट रिकॉर्ड करता रहता है आपकी सारी पर्सनल बातों को, तो ये ऐसा करता है स्मार्ट स्पीकर काम। तो आप ही बताइए कि क्या ये सेफ है, क्या ये अच्छी बात है। यार अगर आपको मैं जितनी भी बातें बताया अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ इसमें गलत होगा या सही भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या इसमें गलत था, क्या सही है, और क्या अमेज़न जो अलेक्सा ये जो इस तरह के ऐप गैजेट बना रहे हैं वो क्या सही है, नहीं है, मैं तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो आप भी कमेंट करके बताएं सही है या गलत है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा ऐसे ही कुछ बहुत अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।